जशपुर के बागेमा गांव में एक तरफा प्रेम का मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने महिला के प्रेम में पड़कर उसके साथ लिविन में रह रहे युवक की हत्या कर दी। युवक पर खौलता गर्म पानी डाल दिया गया और फावड़े से हमला भी किया, जिसकी वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस मामले में मृतक की प्रेमिका ने पूछताछ के दौरान पुलिस को कई तरह की बात कहकर गुमराह किया। मामले में पुलिस ने आरोपी सहित महिला को गिरफ्तार कर लिया। वाले जो राजमिस्त्री हैं प्रदीप मिंज, उनकी हत्या का प्रकरण कोतवाली में दर्ज किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा एक आरोपी सीपक एवं मृतक के साथ रह रही महिला शोभा मुंडा को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आरोपी सीपक द्वारा जो आरोपिया शोभा मुंडा है उनसे विवाह करने एवं उसको अपने साथ रखने की इच्छा से ही मृतक की जो है हत्या की गई, ताकि वो महिला को जो है वो अपने साथ रह सके, और इस इंटेंशन के साथ ही वो अंबिकापुर से घटना को पूरा प्लानिंग के साथ में यहाँ पे आके और फावड़ा के डंडे से और उससे रॉड की जो है वो आरोपी मृतक को मारा है। जावरा के पिपलौदा रोड पर दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही रात 9 बजे तक चलाई गई। वहीं कई दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही भी की गई। दरअसल कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि दुकानदार अपनी दुकान का सामान बाहर रखकर बेच रहे हैं, इससे ट्रैफिक सिस्टम बाधित हो रहा है। कई बार इससे दुर्घटना भी हो रही। कार्यवाही के समय SDM CMO सहित नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी समेत पुलिस जवान मौके पर मौजूद रहे। शहर में जहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण होता है, काफ़ी बिजी एरिया है, और देखने में आया कि पिछले एक महीने में काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं रहता है वाहनों के लिए, काफ़ी सारे कस्टमर्स बाहर खड़े होते हैं रोड पर। तो उसको संज्ञान में लेते हुए आज जो दुकान वालों को अतिक्रमण के जो नोटिस दिए थे लास्ट महीने भी जो हमने हटाया था, पूरा उस टाइम पर हम लीजेंट थे कि फर्स्ट टाइम था, उनको वार्निंग भी दी गई थी कि अब से इतनी लीजेंसी नहीं दी जाएगी उनको, तो उसी को देखते हुए आज अतिक्रमण हटाया गया। जितनी भी दुकानें थी उन पर जो आदेश था सीएमओ मैडम का 1000 रुपये की जो पेनाल्टी वो कटी गई है, सभी का चालान कटा नजर पड़ी हुई। प्रियंका गांधी के महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में दिए गए नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के 125 दिन पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर ग्वालियर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रश्मि पवार के साथ मिलकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। वहीं राम मंदिर चौराहे से रैली की शुरुआत हुई और रश्मि पवार ने कहा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के अधिकारों के लिए कैंपेन शुरू किया जाएगा और प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को रोकने के लिए महिला सुरक्षा की मांग के लिए आंदोलन किया जाएगा। और महिला कांग्रेस के द्वारा आज हम लोगों को ये कार्यक्रम दिया गया था, उसके तारतम्य में ग्वालियर में भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसको आगाज को हमने जोरदारी से बुलंद किया है, नारे को बिल्कुल बराबर उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। पूरे देश में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग बराबर उसकी लड़ाई लड़ रहे थे और आगे भी लड़ेंगे। उन्हें नगर परिषद के जरिए बार बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जन्म और मृत्यु का सर्वे कराया जा रहा है और साथ ही 15 फरवरी से 28 फरवरी तक सघन पोषण पखवाड़े को भी आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कौन सा काम किया है इसको लेकर वो परेशान हैं और कौन सा काम करें इसको लेकर वे परेशान हैं और इसी के विरोध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आज उन्हें नगर पालिका क्षेत्र के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसमें मुख्य नगर पालिका उन्हेल के द्वारा उनकी जो ड्यूटी की जन निकाले में लगाई गई है उसी के विरोध स्वरूप उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया है, जिसे विधिवत माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा दिया जाए। नटेरन में भारतीय जनता किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने सभी किसान मोर्चा के लोगों को पार्टी की रीति नीति से रूबरू कराया। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की तुलना एक चौपाई के माध्यम से बांझ महिला से की। दर्शन सिंह चौधरी ने बताया कि कांग्रेस का काम खत्म हो चुका है। कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, केवल सोशल मीडिया पर खेलने वाली पार्टी बची है। कहीं का ईट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा, और कांग्रेसियों को इसलिए भी कहने का अधिकार नहीं है कि पूरे दिग्विजय सिंह के लंबे शासन काल में और पूरे कांग्रेस के काल में केवल 8 करोड़ किसानों को मिला, हम तो 8 करोड़ के एवज में कितना अधिक राशि हम दे रहे हैं। सागर के राहतगढ़ के सरकारी कॉलेज में युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया। नेहरू युवा केंद्र के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश राजपूत इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में कई विषयों पर चर्चा की गई। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपनी मांगे आकाश राजपूत के सामने रखी, जिस पर आकाश राजपूत ने कहा कि कॉलेज की समस्याओं को जल्द ही मंत्री जी के सामने रखा जाएगा और उनका हल निकाला जाएगा।
एक चर्चा जो हर जनप्रतिनिधि के रूप में छात्रों के लिए होनी चाहिए, उस विषय में आज हम लोगों ने बात करी है। चाहे वो रोज़गार के लिए हो, आत्मनिर्भर भारत के लिए हो, या सारी जो समस्याएं हमारे युवा और युवतियों को आ रही हैं इस महाविद्यालय में, उस संबंध में चर्चा की है। क्योंकि हर चीज़ एक प्रक्रिया के साथ पूरी होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, और आज जो समस्याएं रखी गई हैं इसका निवारण बहुत जल्द किया जाएगा। एक नया महाविद्यालय राजगढ़ में बनने जा रहा है, उसका काम भी आपके सामने है, वो चालू हो चुका है। पेंड्रा कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मरवाही वन मंडल के सेमर दर्री और कटरा गांव का दौरा किया। हाथियों के उत्पात से पहुंचे नुकसान वाले गांव में पहुंचकर जायजा लिया और प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात भी की। वहीं हाथी के हमले से जान गंवाने वाले युवक के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, ग्रामीणों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर जल्द मुआवजा दिलाने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए। पठारी के बढ़ो बालाजी धाम में 51 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने विधायक हरि सिंह सकरे और प्रशासनिक अधिकारी समारोह स्थल पर पहुंचे। इस दौरान श्री महंत ने विधायक सहित कई भक्तों को जिम्मेदारी सौंपी। 28 फरवरी से 8 मार्च तक 11वां 51 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कोरोना काल जैसी महामारी के उन्मूलन हेतु इस कार्यक्रम को रखा गया है। हमारी सभी भक्तों से अपील है कि आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में आकर पुण्य लाभ लें और इस यज्ञ में तन से मन से धन से जिस प्रकार से भी कर सकें आप लोग आकर करें। ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि भिंड की गोहत तहसील के बरथरा गांव में किसानों की जमीन को खनन माफिया ने खरीद लिया है। वहां से काली गिट्टी निकाली जा रही है और इसके चलते आसपास के स्कूल, खेल मैदान और किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने इसे लेकर राज्य सरकार, भिंड कलेक्टर, एसपी और माइनिंग विभाग के साथ 11 विभागों को नोटिस जारी किया। सभी से 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। तहसील में एक बरथरा गांव है, वहाँ पास में गौशाला बनी हुई, स्कूल बना हुआ, खेल मैदान बच्चों का बना हुआ है और कृषि भूमि में कुछ अवैध भू माफियाओं द्वारा काली गिट्टी निकाली जा रही है, तो जिसकी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में आज हुई थी, चीफ साहब ने की है और इसको गंभीरता से लेके सभी 11 पार्टी के लोगों को नोटिस जारी किए। हमारी इसमें ये भी प्रेयर है कि जो सर्वे नंबर हैं जिन पर ये गिट्टी निकाल रहे हैं, ना तो खनिज विभाग से परमिशन लिए ना किसी अन्य विभाग से परमिशन, बिना परमिशन के ये डेली करीब 40-50 टन गिट्टी निकाल रहे हैं, तो इसको तत्काल स्टे किया जाए और कमेटी बना के जाँच की जाए, 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगे। खंडवा के बाल सुधार गृह से रविवार को 7 बाल कैदी बाथरूम की दीवार तोड़कर भाग निकले। बढ़वा पुलिस ने इसमें से 4 बाल कैदियों को ढूंढ निकाला। वहीं पुलिस ने सभी को जिला महिला बाल विकास के प्रभारी अधिकारी को सुपुर्द कर दिया। बढ़वा पुलिस के मुताबिक उन्हें एक बस से पकड़ा गया। बता दें कि खंडवा पुलिस ने फरार बाल कैदियों की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें रवाना की थी। भागे बच्चे इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर और होशंगाबाद के रहने वाले। कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन में लगातार पीछे चल रहे जगदलपुर नगर निगम ने अब अपने निगम क्षेत्र में भी 100% वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए बकायदा एक टीम बनाकर शहर के 48 वार्डों के घर घर जाकर वैक्सीनेशन की जानकारी ली जा रही है। शहर के कई युवाओं ने अभी तक वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगवाई है, साथ ही कई ऐसे भी युवा हैं जिन्होंने वैक्सीन का अब तक दूसरा डोज भी नहीं लिया है। इसे ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन 3 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। अभियान चल रहा है, इसमें व्यवस्था ये है कि हमारी जो टीम रहेगी वो घर घर जाएगी और जो हमारा पहले जो टीचर लोग जो सर्वे किया है उसके आधार पे उनके पास डेटा है, लोगों से पूछ पूछ के जिन लोग छूटे हुए हैं, जिनका कोई जैसे कुछ दूसरा या तीसरा डोज भी जिनका आ गया है समय और लगाया नहीं, तो घर में ही उनका लगाया जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों को जैसे छुट्टी का समय है, जैसे जनरली घर से बाहर निकलते नहीं है, तो घर में ही उनको टीका लग जाएगा। बिलासपुर नगर निगम राजस्व वसूली में पिछड़ गया है, जिसके चलते नगर निगम को कर्मचारियों के वेतन और छोटे मोटे खर्चों के लिए जूझना पड़ रहा है। महापौर रामशरण यादव ने इसे लेकर सभी जोन कमिश्नर की बैठक लेकर जमकर फटकार लगाई। महापौर ने राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें भी वेतन नहीं दिया जाएगा। कई ऐसे बूथ वार्ड भी हैं जहां पर 5% वसूली हुआ है मात्र। 65,000 मकान है
और उनसे से मात्र 28,000 मकानों को डिमांड नोटिस गया है। जब हम अपने जनता के पास जाएंगे नहीं, उनको बताएंगे नहीं कि उनको कितना कर पटाना है, तो वो कैसे जानेंगे कि कर कहाँ पड़ता है और कैसे पटेगा। ये नगर निगम के अमला और नगर निगम के RI, RSI, मुहर्रिर और अधिकारियों की भारी नाकामी है, जिसके कारण वसूली बहुत कम हुआ था। उस बात को लंबे समय से ध्यान में रखते हुए समीक्षा किया गया और समीक्षा में ये निर्णय लिया गया आयुक्त महोदय के द्वारा कि जो लोग जितना प्रतिशत काम करेंगे उनको उतनी प्रतिशत वेतन दिया जाएगा, जो लोग काम नहीं करेंगे और जो लोग काम में नहीं आएंगे ऐसे लोगों को वेतन नहीं दिया जाएगा। बलरामपुर के रामानुजगंज में SDM ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई है। कार्यवाही में 8 मकानों और 3 आहातों को ढहाया गया है। आपको बता दें कि रामानुजगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में अतिक्रमणकारियों ने जेल के पीछे की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। इसे संज्ञान में लेते हुए राजस्व विभाग ने नोटिस जारी किया, जवाब नहीं मिलने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। बीजापुर के कुटरू में शिक्षक की हत्या के मामले में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है। पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी की ओर से ये नोट जारी किया गया, जिसके मुताबिक नक्सलियों का कहना है कि शिक्षक अनिल चिड़ियम की हत्या उन्होंने नहीं की है, जबकि नक्सलियों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं नक्सलियों ने मृतक के परिवार और जनता से अपील की है कि उन्होंने ये हत्या नहीं की है। बलौदा बाजार के भटगांव नगर में एक बेकाबू कार सड़क छोड़कर फुटपाथ पर चढ़ गई। गाय को टक्कर मारते हुए फलों की दुकान में एक युवती को उसने घायल कर दिया। इसके बाद भी कार नहीं रुकी और पास के एक शोरूम में जा फंसी। इस दुर्घटना में कार चालक और युवती समेत 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर पदस्थ संजय दुबे की है। कार चालक के नशे में होने से यह हादसा हुआ। उस तरफ से आई, पहले दुकान को रौंदते हुए 2-3 बच्चों के ऊपर चढ़ते हुए स्कूटी वगैरह को, उसके बाद अचानक हम लोग बैठे थे, हमारे दुकान के अंदर पूरी तरह गाड़ी घुस गई और मैं, मेरे छोटे भाई और हमारे सेठ, हम लोग बैठे हुए थे काउंटर में। तो हमारे सेठ जो काउंटर के बाहर बैठे थे उनको धक्का देते हुए गाड़ी अंदर घुसी है। तो सेठ के यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में आँख के पास चोट भी लगा है और सेठ जी बहुत दूर फेंका भी गए और हमारा तो बहुत ज़्यादा सामान का नुकसान। भिंड की अटेर पुलिस ने डाकुओं की तलाश में बीहड़ों में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस के कई जवान बीहड़ों में उतरे। पुलिस ने कई किलोमीटर का इलाका छान मारा लेकिन किसी डाकू का कोई अता पता नहीं मिला। ASP कमलेश कुमार ने के मुताबिक समय समय पर पुलिस इस तरह की सर्चिंग करती रहती है ताकि चंबल के बीहड़ फिर से डाकुओं का गढ़ न बन जाए और लोगों में पुलिस सुरक्षा की भावना बनी रहे। कुछ दिनों से गैंग के मूवमेंट के बारे में ऐसे आम जनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही है, तो उसी तारतम्य में पूरे जिले में ही हमारा पुलिस बल के द्वारा समय समय पर सर्चिंग की गई है, किंतु वास्तविक वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। और चूंकि कल भी इसी प्रकार का एक जो सूचना तखत की गड़िया थाना नया गाँव अंतर्गत आई थी, जिसमें कि हमारे SDOP अटेर DSP महिला सेल और 4 थानों का पूरा बल वहां पर सर्चिंग की गई, किंतु वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। दुर्ग पुलिस को नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 5 लाख रुपए की 265 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की है। दुर्ग SSP BN मीणा के मुताबिक ब्राउन शुगर का एक अंतर्राज्यीय गिरोह शहर में सक्रिय था, जो युवाओं को नशे का आदि बना रहा था। सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। दुर्ग कोतवाली पुलिस और नारकोटिक सेल के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में 265 ब्राउन शुगर की पुड़ियाँ पुलिस ने जब्त की है और इसमें 3 आरोपी पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किए। इसमें जो प्रथम आरोपी है सहबा, जो नागपुर का रहने वाला, नागपुर में रह के ब्राउन शुगर का वितरण का काम इधर उधर करता है। धमतरी में लंबे समय से चौपाटी की मांग की जा रही थी, ये मांग सोमवार को पूरी हो गई। नगर निगम महापौर ने चौपाटी की शुरुआत की और तालाब के पास चौपाटी के लिए गुमटी ठेला चालकों को स्टॉल लगाने के लिए जगह उपलब्ध कराई गई। महापौर विजय देवांगन के मुताबिक शहर की यातायात व्यवस्था में भी इससे सुधार आएगा। वहीं गुमटी ठेलों वालों को चौपाटी में शिफ्ट किया जाएगा। सभी लोगों के मांग पर, और ये धमतरी शहर के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता थी, काफी दिनों से इसके लिए प्रयास किया जाता रहा है, तो हमने भी इसको महसूस किया और हम सब ने मिलकर जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, आम नागरिकों से सहयोग लेकर
और विशेष करके ठेला व्यवसायी भाइयों से विशेष सहयोग, क्योंकि इनकी सहमति से अच्छे वातावरण में आज का यह कार्यक्रम हम लोग सफल हुए, इस कार्यक्रम को संपन्न किए हैं। और मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और इन सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ कि इनके सहयोग से आज हम लोग चौपाटी बनाने में सफल हुए। पठारी ग्राम पंचायत में सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग ने निशक्त जनों के लिए शिविर का आयोजन किया। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स ने 206 दिव्यांगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसके साथ ही उन्हें सरकार की ओर से हर महीने मिलने वाली पेंशन और विकलांग उपकरण की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। स्थानीय विधायक हरी सिंह सप्रे ने शिविर को सफल बताते हुए कहा कि शिविर में 206 दिव्यांगों के शामिल होने से साफ है कि यहां शिविर को सख्त जरूरत है। दिव्यांगों को तहसील स्तर पर ही उनकी जांच कराकर उनका प्रमाण पत्र बनाकर उनको जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना उनका लाभ स्थानीय लेवल पर मिलना चाहिए। पहले होता ये था कि पहले विदिशा जाते थे, अधिक कोई विकलांग हो तो उस बेचारे को जाने में बड़ी परेशानी थी, इसलिए गांव-गांव हमने डोल पटवा कर पंचायत वाई पंचायत डोल पटवा कर हमने दिव्यांग जनों को यही तहसील प्रांगण दिलवाया है और उनकी जांच होने के उपरांत उनको अगले या दो महीने एक डेढ़ महीने के अंदर उनको उपकरण वितरित किया। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में मानव तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस ने तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी काम दिलाने के नाम पर महिलाओं को अन्य राज्यों में बेच दिया करते थे। इसका खुलासा तब हुआ जब गिरोह के एक सदस्य ने अपनी पड़ोस में रहने वाली युवती को ही केटरिंग में काम दिलाने के नाम पर राजस्थान के बांसवाड़ा में 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। वहीं युवती के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने बांसवाड़ा थाना पुलिस की मदद लेकर युवती को बरामद कर आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज कराया। उसके बाद अभी 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं जिसमें एक अंकित है और 2 महिला आरोपी है। अंकित से पूछताछ पर उसने 4-5 नाम और बताए हैं कि ये पूरी गैंग में साथ में थे, जिसमें समृद्ध पाटीदार है और कैलाश है, उसके बाद कैलाश सुनील और राजस्थान के भी 2 लोग हैं जिसमें एक पति है और वो साथ में भगवत सिंह। इन सभी की पुलिस तलाश कर रही है। बालोद में सिटी कोतवाली के पास एक डिलीवरी बॉय के साथ लूट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय गाड़ी खड़ी कर शौच के लिए गया था, तभी आरोपी नकदी और उसकी पतलून लेकर भाग गए। अपने साथ अचानक हुई इस लूट के बाद डिलीवरी बॉय ने थाने में मामला दर्ज कराया। घटना बालोद दिल्ली मार्ग की बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिन के दौरे पर बलौदा बाजार पहुंचे। जिला कांग्रेस और ट्रक एसोसिएशन के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। मोहम्मद अकबर ने इस दौरान ट्रक एसोसिएशन के नए भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भूपेश सरकार सभी वर्गों के लिए योजना चला रही है जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है, चाहे बात समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की हो या वन उत्पाद न्याय धन योजना की हो।